दोस्तों, आज नॉर्थ ईस्ट ट्रिप खत्म करने के बाद हम देवघर पहुंच चुके हैं और अभी बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करके हर हर महादेव बोल के वापस रांची की ओर आज निकल जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी थक भी गए हैं, नींद पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है। हम सभी अपने होटल से पैदल ही जा रहे हैं। मैं आगे आगे हूँ, पीछे पीछे सभी आ रहे हैं। बाबा नगरी हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ महादेव की गलियां, हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। सब बंद का है आज। नहीं, हम लोग वहाँ अंदर प्रशासन के आदमी वहाँ जा रहे हैं, अंदर है। हाँ, रमेश जी है ना। पेड़ा ही पेड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये मंदिर प्रांगण है, हैं अंदर पंडित जी हैं। बहुत सारा पेड़ा भंडार, पेड़ा ही पेड़ा। इमली कम किसमें है? जी जी, सबसे कम उसमें 440, ये 360 है। इसी का तीसरा 480। कैसे दिया पेड़ा? नहीं, वापस जाना है। कैसे दिया? ठीक है। कैसे दिया? ये 440 रुपए पेड़ा है, ये है 360 और वो है 480, जिसमें केड़ा केसर मिक्स है। अच्छा, वो येलो वाला केसर मिक्स है, उधर 440 रुपए है। उसमें थोड़ा चीनी कम डाला गया, इसमें भर दिया जाता है। अच्छा, ये 360 है। तीन प्रकार के पेड़े के प्रसाद यहाँ बनता है। बढ़ गया, 5-10-15 मिनट में हो जाएगा। देखिए, मंदिर प्रांगण में घुसते ही फूल है, फूल ये सब बाबा को चढ़ता है, बाबा को चढ़ने वाला ये सब फूल है। प्रसाद ले लिया है, अब फूल भी ले लिए। जल भी है, फूल लेने के बाद अब हम मंदिर प्रांगण के अंदर जा रहे हैं। हर हर में महादेव,
हर दिल में महादेव, हर हर महादेव, बाबा वैद्यनाथ की जय। अभी हम मंदिर प्रांगण में डीसी ऑफिस के पास आए हैं। डीसी सर के एक कोई आएंगे जो उन्होंने भेजा है, वो हमें दर्शन कराएंगे। मंदिर में काफ़ी भीड़ है तो हम थोड़ा जल्दी दर्शन करके निकल जाएंगे। हर हर महादेव। तो फाइनली दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। हर हर महादेव। दीदी कैसा लगा फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लगा। हैं मेरे ऊपर ही पूरा जल चढ़ गया। तो बाबा को माथा टेक दिया था, गिर गया कि जो होगा देखा जाएगा। देखिए पूजा हो गया। अरे महादेव। क्या चीज? हम ऐसु को गोल्ड लगवा रहे थे, चिल्ला रहा जीजू हट कर। अरे उसको घुसने नहीं दे रहा, इसको धकेल दे रहा था ना आपके कारण आगे नहीं जा पा रहे थे। तो और जैसे आप हटते ना, घुसाना था इसलिए हम रोक के रखे थे सबको। इसको तो हम पकड़ रहे होते कि हम लोग नहीं आ गया, इसको गोल्ड लगवा ले। हमको कहा हमने कि तुम पकड़ रखा, हम पकड़ रखे थे कि पापा मीरा बोल रही है ऐसु को गोल्ड लगवाई। ऐसु को गोल्ड पंडित जी बोले कि आपको और दीदी को उठने दीजिए, फिर आप लोग तीनों कर लीजिएगा। आप उठ के हम लोग मेरे पे भी तो सारा जल डल गया। हम टोटो में जाएंगे। टोटो बैठ किया था हम तो पूरा माता एकदम बाबा में डाल दिया, सारा जल मेरे ऊपर। हम तो झुक के ही कर लिए थे, जितना देर हम तो सारा जल मेरे माथा पे। होता है ऐसे ही। टोटो पूजा आरती करने के बाद हम सभी अब तो हो गया ना। काफी मजा आया बाबा के पास आकर। निधि बेचारी गिर गई थी कल, उसके हाथ में बहुत दर्द है, लेकिन आज चूड़ी पहनने में दर्द नहीं हो रहा है। अरे हाथ में दर्द है उसका, नहीं हो पाएगा।
देवघर बाबा बैद्यनाथ दर्शन करने के बाद हम बासुकीनाथ आए हैं। बासुकीनाथ में हम भी दर्शन कर चुके हैं। ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। मैं यहाँ पे देखिए नंदी, यहाँ बाबा बासुकीनाथ हैं और यहाँ सनातन धर्म की जय। सो फाइनली वी हैव रीच्ड रांची। रिंग रोड होते हुए वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ब्रांबे, अपने घर पर। रांची आने के बाद एक सुकून जो मिस कर रहा था वो फील हो रहा है। ट्रिप का मज़ा तो अलग होता है, लेकिन जब अपने वापस घर आते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है। थोड़ा दिल से सैड सैड भी लग रहा है कि अब फिर से रोजाना वाली ज़िंदगी में घुस जाना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जीवन भर तो घूमते नहीं रह सकते हैं। या अब उतरो। अरे कैसे आगे होता है ये? जिसका बंदर वही नचाए। ओहो रखे लो आदी। रुकना आगे तरफ कर। अरे बच्चा हम लोग को बंद कर दिया रे बाबा। कैसे होगा आगे? जीजा जी जीजा जीजा जी क्या हुआ? Shut up, Jackie. Finally, हम घर आ गए। घर आके सबसे पहले अपने भगवान को प्रणाम। क्या जी आदि ऐसे हो? सो गई आदि? अब रांची के कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा सा आराम करने को भी मिलेगा। अच्छा आराम करने को मिलेगा। ट्रिप का जो मजा है वो मजा तो बहुत है। ऐसा ट्रिप तो एक साल में एक ही बार करने को मिलता है। तब पूरा फैमिली के साथ मजा ही अलग होता है। कैसा रहा ट्रिप आपका? मेरे लिए तो है थैंक यू आप। एनर्जाइजिंग रिफ्रेशिंग होता है। मेरा पैशन ड्राइविंग है, पैशन फुलफिल होता है। चलिए पैशन बना रहे और बड़ी बड़ी गाड़ियां आप लेते रहे। कार्निवल लेना है अगले साल, कार्निवल में चलेंगे। हुल्ला लला हुल्ला लला करते हैं। हुल्ला लला वाली ड्रेस झारखंड की ड्रेस पहनकर। अरे ठीक बोले यार, हम लोग को झारखंड का जो ट्रेडिशनल ड्रेसेज है वो सब लेके जाना चाहिए था, वहाँ पहन के घूमना चाहिए था। अपने स्टेट का भी प्रमोशन होता है। जोहार झारखंड। जोहार झारखंड, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती हम कहाँ से। तो यही है, काफी थक गए हैं अब। 10 दिनों में डेली 10 घंटे की ड्राइविंग, 10 से 12 घंटे की 3000 प्लस, मोर देन 3000 किलोमीटर प्लस हमने ट्रैवल किया है। 100 किलोमीटर, 3100 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, 300 किलोमीटर डेली। घर जाएंगे, सो जाएंगे, कल उठेंगे, सो जाएंगे, परसों उठेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर मंडे से काम में लगेंगे। निधि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है ना? सही सलामत हो ना? बता दो। हाँ सही सलामत हो ना? दीदी फिट एंड फाइन ना? अमेजिंग लाइफ जी के आ रहे हैं। चकला बेलन पकड़ो, रोटी बनाओ, वापस शुरू हो जाओ अपने अपने काम पे। चकला बेलन। नॉर्थ ईस्ट जाना कभी हो तो शिलोंग, और शिलोंग जरूर जाना, मेघालय में है। आसाम में तो बड़े बड़े गुवाहाटी है, ये सब है।
उसके बाद अगर और टाइम है तो सीधे मणिपुर निकल जाओ, चिंता मत करो, वहाँ पे दंगा हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ITBP है वहाँ पे हमारा रक्षा के लिए। फिर नागालैंड भी जाओ और चाइना भी घुस जाओ। चाइना से ये सीख क्या है मैं, इसका अर्थ बताइए आप लोग, क्या बोला मैंने यूट्यूब पे चार बजे ओहो जैकी हमारा वेट कर रहा है। जैकी 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 हाउ आर यू जैकी, मेरा टाइसन भी मुझे मिस कर रहा है। आ गए 10 दिनों के बाद जैकी की जमीन।